गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन आज मैथमेटिक्स में हम अपने फोर्थ चैप्टर सब्ट्रैक्शन की सेकंड एक्सरसाइज करेंगे सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है रीग्रुप वन टेन टू वंस एंड फिल इन दी बॉक्सेस ये जो आपको यहाँ पर सम दिया गया है इसमें आपको फोर टेंस और थ्री वंस में से वन टेंस को वन के साथ रीग्रुप करना है फिर से सुनिए फोर टेंस में इसमें से आपको वन टेन को हटाना है और उसको थ्री वंस में रीग्रुप करना है या हम बोल सकते हैं ऐड करना है फोर टेंस में से वन टेन को निकालेंगे और उस वन टेन को थ्री वंस में ऐड कर देंगे इसको अच्छे से समझने के लिए चलिए हम इसको कंप्लीटली सॉल्व करते हैं ये देखिए ये मैंने सम लिखा हुआ है फोर टेंस एंड थ्री वंस और यहां पर हमें आंसर फिल करने हैं तो इसको क्या करेंगे फोर टेंस और थ्री वंस को अगर हम नंबर्स में लिखेंगे तो आंसर में क्या लिखेंगे नंबर होगा ये फोर्टी थ्री क्यों क्योंकि थ्री की प्लेस वैल्यू क्या है Once. और four की place value क्या है? टेंस ये आपको इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि जब आप सब्ट्रेक्शन के टाइम पर कैरी लेंगे तो आपको इजी रहेगा समझने में फोर टेंस यहाँ पर लिख दिया और थ्री वंस यहाँ पर लिख दिया नंबर हो गया हमारा फोर्टी थ्री अब इसमें से हमको वन लेना है मतलब वन हटाना है तो फोर में से हमने वन हटाया तो क्या हो गया ये हो गया थ्री ठीक अब थ्री में हमको वन जो हमने यहां से हटाया था वो ऐड करना है लेकिन वो हमको एज इट इज ऐड नहीं करना क्यों क्योंकि वो है टेन की वैल्यू का और थ्री हमारा है वंस की वैल्यू का तो फोर वंस में से हमने वन को हटाया तो हमारा यहाँ पे रह गया थ्री टेंस तो यहां तो हम लिख देते हैं थ्री ठीक है अब बात करते हैं थ्री वंस में हमें वन टेन को ऐड करना है क्या करना है थ्री वंस में हमें वन टेन को ऐड करना है अच्छा इसको अगर हम वर्ड्स में ना लिख के न्यूमरल्स में लिखें, तो फोर टेंस मतलब क्या होता है फोर्टी और थ्री वंस मतलब क्या होता है थ्री इतना पता है प्लेस वैल्यू में या तो हम ये लिखते हैं फोर टेंस या लिखते हैं फोर्टी ठीक है तो इसमें से हमें वन टेन हटाना है तो वन टेन की वैल्यू कितनी होगी वन टेन की वैल्यू होगी टेन वन टेन की वैल्यू टेन क्यों होगी क्योंकि ये जो टेन्स प्लेस पर है तो हमने इसमें टेन का मल्टीप्लाई कर दिया वन टेन इन वन मतलब वन इंटू टेन इज इक्वल टू टेन अब ये हो गया हमारा टेन और थ्री वंस की वैल्यू कितनी होगी थ्री वंस की वैल्यू होगी थ्री इनटू 1 क्यों क्योंकि ये वन्स प्लेस पर है इसीलिए ये 10थ प्लेस पर था तो 10 का मल्टीप्लाई और ये वन्स प्लेस पर है तो 1 का मल्टीप्लाई आंसर हो गया 3 अब इन दोनों को हमको ऐड करना है इन दोनों को हमको ऐड करना है हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये 10 वन्स है ये क्या है ये 10 वन्स है जैसा कि हमने अपने एडिशन के चैप्टर में देखा था 10 वन्स और ये हमारा है 3 वन्स अगर इसको हम बोलना चाहें तो ठीक है अब इन दोनों को हमें ऐड करना है तो टेन प्लस थ्री को ऐड करके कितना आएगा आएगा थर्टीन इतना डीपली दीप, आपको कॉपी पर करना नहीं है ये आपको केवल अपने माइंड में करना है ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूं तो यहाँ पे हो गया थर्टीन तो यहाँ पर हमने लिख दिया थर्टीन फोर टेंस और थ्री वंस को अगर हम वन को वन टेन को थ्री वंस के संग रीग्रुप करेंगे तो आंसर आएगा थ्री टेंस और थर्टीन वंस ये आपको क्यों समझाया जा रहा है ताकि जब आप सब्ट्रैक्शन के टाइम पर कैरी लेंगे पीछे वाले नंबर में तो आपको इजी रहेगा जो कि मैं अभी आपको समझाऊंगी चलिए एक और सम समझते हैं सेकंड सम में हमें है टू टेंस और फाइव वंस इसमें से हमें टू टेंस में से वन टेन को हटाकर फाइव वंस के साथ रीग्रुप करना है तो चलिए देखते हैं कैसे करना है टू टेंस और फाइव वंस को अगर हम न्यूमरल्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे चलिए इसको चेक भी कर लेते हैं फाइव की प्लेस वैल्यू वंस तो फाइव वंस हो गया टू की प्लेस वैल्यू टेंस तो टू टेंस हो गया ठीक है अगर चलिए इसको अगर हम फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे ट्वेंटी प्लस फाइव क्यों क्योंकि फाइव की प्लेस वैल्यू और टू की प्लेस वैल्यू ट्वेंटी ठीक है इतना क्लियर हो गया चलिए अब दूसरा देखते हैं ट्वेंट नहीं इसमें से देखते हैं टू टेंस में से हमको वन टेन कम करना है टू टेंस में से हमको वन टेन कम करना है तो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था कि वन टेन की वैल्यू कितनी होगी टेन होगी क्यों क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है ten है ten, तो into ten, multiply is equal to या इसको हम टेन वंस भी बोल सकते हैं टेन वंस भी बोल सकते हैं तो टेन वंस को हम फाइव वंस में ऐड कर देंगे और फाइव वंस की प्लेस वैल्यू कितनी फाइव वंस की वैल्यू कितनी होगी फाइव ही होगी या हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि फाइव वंस है अब चाहे हम इसको ऐड करें चाहे हम इसको ऐड करें तो क्या आंसर आएगा दोनों का दोनों का आंसर आएगा फिफ्टीन तो यहाँ पे हो गया वन और यहाँ पर हो गया फिफ्टीन ठीक है चलिए अब हम बुक में करते हैं फोर टेंस और थ्री वंस फोर टेंस और थ्री ones यहां पे हमने वन अब्रैक्ट किया तो आंसर क्या आया आंसर आ गया थ्री तो हमने यहाँ पे थ्री टेंस लिख दिया अब थ्री वंस में हमने वन टेन को ऐड करना है तो वन टेन की वैल्यू मैंने अभी क्या बताई थी या तो हम वन टेन लिखें या हम लिखे टेन गॉट इट वन टेन इज इक्वल टू टेन वंस तो टेन वंस में हम थ्री वंस को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा थर्टीन विच मींस अगर ये फोर्टी थ्री है और हमको इसमें कैरी लेना है तो यहां पर तो हो जाएगा थ्री और यहां पर वन भर जाएगा तो यहां पर हो जाएगा थर्टीन गॉट इट सेकेंड सम है यहां पर है टू टेंस और यहां पर है फाइव ones. टू टेंस और फाइव में से हमें टू टेंस में से वन टेन को सब्रैक्ट करके फाइव वंस में ऐड करना है तो टू टेंस में से अगर हम वन सब्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा आंसर आएगा वन टेन गॉट इट अब फाइव वंस में हमें वन टेन ऐड करना है अब यह हम वन टेन बोले या टेन वंस बोले सेम है तो टेन वंस में से फाइव वन को ऐड करना है तो आंसर क्या होगा आंसर होगा फिफ्टीन तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एंड तो ये थे हमारे दो सम अब हम इसी टाइप के और दूसरे सम्स देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन है फिल इन दी बॉक्सेस यहां पर एक सम दिया है और उसमें हाफ सम आपको करके दिखाया गया है और बाकी हमें करना है फाइव टेंस और सिक्स वंस में से हमें यहाँ पर लिखा है फोर टेंस और कितना ones आएगा तो हमें वन टेंस सब्ट्रैक्ट ही करना है क्योंकि हम वन ही कैरी देते हैं सब्ट्रेक्शन में जब हमें कैरी देना होता है तो हम वन नंबर ही आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो फाइव टेंस में से वन टेन्स सब्ट्रैक्ट करके आ गया फोर टेंस अब वन टेन को हमें सिक्स वन में ऐड करना है तो जैसा कि मैंने बताया था वन टेंस का मतलब क्या होता है वन टेंस का मतलब होता है टेन वंस ठीक है वन टेंस का मतलब होता है टेन वंस और टेन वंस में सिक्स वंस को ऐड किया तो आंसर आ गया सिक्सटीन ऐसे इजी है चलिए दूसरा देखते हैं थ्री टेंस में से हमें टू वंस को सब्ट्रैक्ट करना सॉरी थ्री टेंस और टू वंस को हमें रीग्रुप करके यहाँ पे आंसर लिखना है तो थ्री टेंस में से हम वन टेन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा टू आएगा ये तो मालूम है क्योंकि थ्री में से वन सब्ट करेंगे तो टू आएगा अब टू वंश में वन टेन को ऐड किया इन्होंने, तो आंसर आया वन्स। कैसे आया? कैसे की वैल्यू कितनी होती है टेन वंस होती है और टेन वंश में हम टू वंस को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा ट्वेल्व वंश आएगा क्लियर अब करते हैं हम अपने सब्ट्रेक्शन को सब्ट्रेक्ट द फॉलोइंग बाय रिग्रुपिंग टेन्स टू वंस जैसा अभी हमने सीखा था कैरी फॉरवर्ड कैरी देना तो वही हमें इसमें अप्लाई करना है थर्टी टू में से हमें 14 को करना है प्रोसेस क्या है पीछे से आगे की तरफ जाना है और प्लेस पर जो डिजिट्स हैं उनको सब करना है और टेंस पर जो डिजिट्स हैं उनको सब करना है तो क्या करेंगे टू में से फोर को सब करेंगे ऊपर जब छोटा नंबर होता है टू छोटा है ना ऊपर जब छोटा नंबर होता है तब हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते तब हम आगे वाले नंबर से पीछे कैरी लेते हैं फिर से सुनिए ऊपर जब छोटा नंबर होता है और नीचे बड़ा नंबर होता है तब हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हमें क्या करना होता है आगे वाले नंबर से पीछे वाले नंबर में एक कैरी देना होता है अब थ्री टेंस है और टू वंस है मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा थ्री टेंस है और टू वंस है इसमें से हमें वन टेन जो है थ्री टेंस में से निकालकर टू वंस में ऐड करना है तो क्या होगा यहां पर हो जाएगा टू क्यों थ्री में से सब्ट्रैक करेंगे तो आंसर क्या आएगा टू आएगा और टू वंस में वन टेन को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा वन टेन का मतलब होता है टेन वंस वन टेन का मतलब क्या होता है टेन वंस टेन वंस में टू वंस को ऐड किया तो ट्वेल्व अब ये हो गया ट्वेल्व और ये हो गया थ्री सॉरी टू ये हो गया ट्वेल्व और ये हो गया टू तो ट्वेल्व में से फोर सब करेंगे और टू में से वन सब करेंगे थोड़ा टिपिकल हो गया चलिए दोबारा समझते हैं थ्री टेंस टू वंस इतना क्लियर है क्योंकि ऊपर लिखा भी है थ्री टेंस में से हमें वन टेन को हटाकर टू वंस में ऐड करना है तो थ्री टेंस में से वन टेन को सब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टू टेंस क्लियर अब टू वंस में से हमें टू वंस में हमें को ऐड करना है जिसकी वैल्यू हम टेन वंस भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं टेन वंस भी बोल सकते हैं तो टेन वंस में टू वंस को ऐड किया तो आंसर आएगा ट्वेल्व वंस और यहाँ पर क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा ट्वेल्व अब ट्वेल्व में से फोर को सब कर दीजिए और टू में से वन को सब कर दीजिए चलिए देखते हैं ट्वेल्व अपने पाम पर पहले ट्वेल्व काउंट करिए कहाँ से लिटिल फिंगर के नीचे वाले पोर्शन से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व हो गए ट्वेल्व अब इसमें से फोर सब करने हैं वन टू थ्री फोर पीछे की तरफ चलेंगे ना अब कितने बचे ये देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो आंसर क्या आया आंसर आया एट और टू में से वन सब करेंगे तो वन टू पहले चिक हमने टू काउंट किए अब वन सब करना है तो वन काउंट किया कितने बचे वन बचे तो यहाँ पर हमने लिख दिया वन चलिए एक और सम देखते हैं नेक्स्ट सम है सिक्सटी टू में से हमको ट्वेंटी फाइव सब करना है तो सिक्सटी टू का मतलब क्या है सिक्स टेंस और टू वंस ध्यान से सुनिए सिक्सटी टू का मतलब है सिक्स टेंस और टू वंस इतना आपको डीपली जाने की जरूरत नहीं है ये बस मैं आपको समझा रही हूं आपको क्या करना है इस वाले नंबर से इस नंबर में एक कैरी देना है अब हम इस प्रोसेस को भूल जाते हैं छोड़ते हैं सिक्स में से टू को वन कैरी देना है ठीक है ये प्रोसेस क्यों समझाया था ये प्रोसेस इसलिए समझाया था ताकि आपको ये पता चल जाए कि कैरी देते कैसे हैं कैरी हम कैसे देते हैं अब सिक्स में से वन हमको टू में कैरी देना है क्यों देना है क्योंकि टू हमारा छोटा नंबर है और फाइव हमारा बड़ा नंबर है छोटे में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो यहाँ पे कैरी दिया तो यहाँ पे कितना हो गया यहाँ पर हो गया ट्वेल्व बस हमको ये सोचना है कि यहाँ से हमने वन कैरी दिया तो टू के आगे हम वन लगा देंगे तो हमारे यहाँ पे ट्वेल्व हो जाएगा तो ट्वेल्व में से फाइव सब्ट्रैक्ट कीजिए और यहाँ पर फाइव रहेगी अब फाइव में से टू सब कीजिए तो चलिए करते हैं ट्वेल्व में से पहले हमें फाइव सब ट्रैक करना है तो बैक काउंटिंग करिए वन टू थ्री फोर फाइव गॉट इट अब कितने बचे ये भी देखना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कितने बचे सेवन बचे तो यहां पर हमने लिख दिया सेवन अब ये है फाइव और ये है टू पॉसिबल है है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव काउंट कर लिए अब फाइव में से हमें टू सब्ट्रैक करने हैं वन टू तो कितने बचे वन टू थ्री यहां पे रह गए थ्री तो सिक्सटी टू में से अगर ट्वेंटी फाइव सब करेंगे तो आंसर कितना आएगा आंसर आएगा थर्टी सेवन सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने अभी भी देखा कुछ बच्चों ने वर्ड प्रॉब्लम करते समय ना तो क्वेश्चन उतारा और ना ही इसकी कोई यूनिट लिखी कि हमसे क्या चीज पूछी गई है जस्ट आंसर छोड़ दिया है ऐसे ही देर वर्टी फाइव कार्स इन अ पार्किंग एटीन कार्स वूव आउट ऑफ द पार्किंग हाउ मैनी कार्स वर लेफ्ट इन द पार्किंग एक पार्किंग है किसी भी सोसाइटी की मान लीजिए किसी मॉल की मान लीजिए उसमें थर्टी फाइव कार्स पार्कड थी पहले वहां पर थर्टी फाइव कार्स थी अट्ठारह कार्स ले गए भाई उनके मालिक जिनकी कार्स थी उनका काम खत्म हो गया और वो कार्स लेके अपने घर चले गए तो अब वहां पर कितनी कार्स बची हैं तो जो बड़ा नंबर है वो हम सब्ट्रेक्शन में ऊपर लिखते हैं और जो छोटा नंबर है वो सब में हम नीचे लिखते हैं लिखने का तरीका मालूम है वंस प्लेस की डिजिट को वंस के नीचे और टेंस प्लेस की डिजिट को टेंस के नीचे तो चलिए लिखते हैं ये थर्टी फाइव हमारा बड़ा है और 18 हमारा छोटा है तो हमने ये लिख दिया अब 35 में से हमको 18 को सब्ट्रैक करना है तो क्या करना है 5 में से पहले 8 सब्ट्रैक करेंगे और फिर 3 में से 1 सब्ट्रैक करेंगे पर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्यों क्योंकि 5 हमारा छोटा नंबर है और 8 हमारा बड़ा नंबर है नाउ अब क्या करें कैरी लेंगे तो 3 में से हम 1 कैरी देंगे 5 को तो यहां पर 3 की प्लेस पर तो हो जाएगा 2, और फाइव की प्लेस पर क्या हो जाएगा फाइव की प्लेस पर हो जाएगा फिफ्टीन ये भी आपको लिखना नहीं है ये मैंने बस आपको समझाने के लिए लिखा है फाइव के आगे वन लगा देंगे तो फाइव की प्लेस पर हो जाएगा फिफ्टीन और थ्री प्लेस पर हो जाएगा टू फिफ्टीन में से एट को सब कर दीजिए आता है चलिए देखते हैं पाम लीजिए और फिफ्टीन काउंट करिए नीचे से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन मतलब पूरा पाम आ गया हमारा ठीक है ये हो गए तो बच्चे कितने ये देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इट तो यहाँ पर आ गया सेवन और टू में से अगर वन सब करेंगे क्योंकि यहाँ पर टू रह गया था कैरी देने के बाद टू में से वन सब करेंगे तो वन बचेगा ये तो छोटा सा सब्रैक्शन है माइंड में हो जाएगा मेंटली तो टू में से वन सब्ट किया तो सेवनटीन तो सेवनटीन के संग आपको यहाँ पर कार्स भी लिखना है ये होता है कंप्लीट आंसर कि सेवनटीन कार्स अब पार्किंग में रह गई तो सेवनटीन कार्स ये हमारा पूरा आंसर है कि आप लोग क्या करते हो केवल सेवेंटीन लिख के छोड़ देते हो तो ये मेथड या ये आंसर रॉन्ग कंसिडर किया जाता है अब देखते हैं सेकेंड यस्टरडे वॉज कविताज बर्थडे शी इन्वाइटेड ऑल हर ट्वेंटी फोर फ्रेंड्स ओनली एटीन फ्रेंड्स केम हाउ मेनी फ्रेंड्स डिड नॉट कम टू हर बर्थडे पार्टी कल कविता का बर्थडे था ठीक है और उसने अपने ट्वेंटी फोर फ्रेंड्स को इन्वाइट किया था उसने कितने फ्रेंड्स बुलाए थे अपने बर्थडे पार्टी में ट्वेंटी फोर लेकिन केवल एटीन फ्रेंड्स आए ऐसा होता है ना कभी किसी के घर पर कोई प्रॉब्लम हो जाती है कोई बिजी होता है तो ट्वेंटी फोर में से केवल एटीन फ्रेंड्स आए थे उसकी पार्टी में अब कितने फ्रेंड्स नहीं आए थे हमें यह पता करना है तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है ट्वेंटी फोर तो ट्वेंटी फोर तो हम लिखेंगे ऊपर फोर को वंस की प्लेस पर और टू को की प्लेस पर और एटीन को लिख देंगे हम नीचे अब करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट तो फोर में से एट जाएगा क्या क्योंकि तो हमें पहले वन प्लेस के डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो फोर में से एट नहीं जाएगा तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे टू से भाई एक कैरी दे दो हमको क्या बोलेंगे एक कैरी दे दो हमको तो यहाँ पे क्या किया इसने टू ने एक कैरी दे दिया इसको अब यहाँ पे तो रह गया वन और यहाँ पर कितना हो गया मुझे बताइए यहाँ पर कितना हो गया यहाँ पर हो गया फोर्टीन ठीक अब फोर्टीन में से हम एट सबट्रैक्ट कर देंगे और वन में से वन सब कर देंगे तो चलिए पहले फोरटीन में से एट सब करते हैं काउंटिंग शुरू करें चलिए मेरे संग काउंट करिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन ये हो गए फोर्टीन और सब कितने करने हैं एट तो रिकाउंट करते हैं काउंटिंग बैक करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये हो गए हमारे एट अब बच्चे कितने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो यहाँ तो बच्चे सिक्स और वन में से वन गए तो जीरो वेरी गुड तो मतलब उसकी पार्टी में सिक्सटीन फ्रेंड्स नहीं आए थे तो हमें पूरा आंसर लिखना है कि सिक्स फ्रेंड्स उसकी सॉरी मैंने सिक्सटीन बोल दिया था उसकी पार्टी में सिक्स फ्रेंड्स नहीं आए थे तो पूरा आंसर क्या हुआ सिक्स फ्रेंड्स इट तो ये पूरी एक्सरसाइज आपको अपनी फेयर नोटबुक पर करनी है गुड बाय